मतलब ऐसा किसी के साथ होता है यार कि मतलब मैं गई थी काम में और वहाँ से फिर मेरे को कॉल आता है कि लेने आ रहे हैं बोल के, और फिर मैं अपना काम छोड़ के बीच में ही छोड़ के फिर अब। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम है तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह का टाइम है 7:15 और हम लोग अभी पी रहे हैं चाय। तो ये देखिए, अदरक वाली चाय और बिस्किट, और मैं ना साथ में चावल को भी चढ़ा ली हूँ और सब्जी काटी हूँ, नहीं बनाई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम लोग चाय पी लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ना चाय पी ली हूँ, और मैं ना चाय पीने के बाद ना मेरा चावल हो गया था, तो मैं चावल को पसा दी हूँ और सब्जी को भी बना रही हूँ। तो देखिए, और मैं ना कल मक्के के खेत में गई थी मक्का तोड़ने, तो आज भी जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, मैं ना वहाँ से कुछ मक्का लेके आई थी कच्चा वाला, तो उसको अभी बाजेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखिए मस्त कच्चा वाला है, तो कच्चा वाला तोड़ के लाए थे हम लोग। देखिए अभी सबसे पहले ना इसको निकाल लेती हूँ मैं, फिर बाजूंगी। फ्रांस, मैं मक्का को तो निकाल ली हूँ, ये देखिए मक्के के बीज को निकाल ली हूँ, और मैं इतना निकाली हूँ। तो इसको भाज के ना उधरी ले जाऊँगी, तो काम साइड। तो अभी मैं इसको भाजूँगी, और मैं कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी हूँ। तो और हमारा सब्जी जो है बन चुका है। तो चलिए फ्रांस, अब इसको मक्के का बीज को भाज लेते हैं पहले। तो फ्रांस, देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें डाल देते हैं मक्का को। इसे चम्मच चला लेते हैं। तो फ्रांस, अब ना मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, तो इसको भी अच्छे से मिला लेते हैं। तो फ्रांस, फाइनली मैं मक्का को भाज ली हूँ, ये देखिए। तो मस्त कलर आया ना इसका। तो धीमी आँच में भाजना है इसको, एकदम धीमी आँच में, तो बहुत ही अच्छा लगता है। बस इसमें मैं नमक डाली हूँ, आप लोग चाहे तो इसमें मिर्च भी डाल के खा सकते हो, बट मैं मिर्च नहीं डालूँगी क्योंकि मैं ज़्यादा मिर्च नहीं खाती हूँ, तो इसलिए मैं बस नमक डाल दी हूँ। तो ये देखिए अभी ये ना बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसको अभी नहीं खा सकती, थोड़ा देर ठंडा होने देते हैं। तो ये देखिए कैसा है, आप मतलब कैसा बाजू आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी मैं फटाफट से बाकी का काम कर लेती हूँ, क्योंकि हम लोग को 10 बजे तक यहाँ से निकलना है काम के लिए। तो मैं ना फटाफट से अभी टिफ़िन वगैरह पैक करूँगी, और कंघी वंघी करूँगी, और बर्तन वगैरह सब कुछ धो के जाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं पहले बाकी का काम कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं भिंडी और आलू की सब्ज़ी बनाई हूँ, तो ये देखिए। और यहाँ पे है हमारा चावल और पेज, और मैं ना टिफ़िन को धो के लेके आ गई हूँ, तो अभी मैं करूँगी खाना पैकिंग। तो टिफ़िन में, तो फ्रांस, ये देखिए अभी मैं टिफ़िन पैक कर रही हूँ, और मैं सब्ज़ी निकाल ली हूँ, और अभी निकाल रही हूँ चावल, और फिर उसके बाद निकाल ली हूँ पेज, और इसको मैं पैक कर ली हूँ, और झोला में भर दी हूँ। और उसके बाद ना मैं थोड़ा सा बर्तन था, तो साथ में बर्तन को भी धो रही हूँ। तो फ्रांस, फाइनली मेरा जो काम है वो ख़त्म हो गया है, मैं बर्तन वगैरह सब कुछ धो ली हूँ, गैस वगैरह सब साफ़ कर ली हूँ, और मैं कंघी भी कर ली हूँ। तो हम लोग को ना आते आते ना शाम हो जाता है ना, इसलिए मैं पूरा काम करके जा रही हूँ। तो फ्रांस, और अभी टाइम भी हो गया है, 10 बज गए हैं, तो हम लोग अभी जाएँगे खाम में। और मेरे को ना टाइम ही नहीं मिल पाया, मैं मक्का को भाज ली थी ना, तो ये देखिए, तो इसको ना हल्का सा गर्म में खाना है, तो बहुत ही अच्छा लगता है, तो टाइम ही नहीं मिल पाया, तो इसलिए अभी यहाँ पे लेके आके बैठ के खा रही थी। तो मैं थोड़ा सा ना काम साइड ले जाने के लिए रख ली हूँ झोला में, और थोड़ा सा बस इधर खाने के लिए लाई थी। और बाबू ना अपना खाना खाते खाते फटाफट खाना खाया और आंगनबाड़ी चला गया है, और अभी मैं जाऊँगी काम में। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं ना काम से आने के बाद मिलती हूँ। तो फ्रांस, मेरे को ना अचानक से काम को छोड़ के मायके जाना पड़ा। तो हिरकी, अभी हम लोग जा ही रहे थे कि पानी बहुत ज़्यादा गिर रहा था, तो इसलिए हम लोग एक जगह रुके हुए थे। तो हिरकी, हम लोग देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा पानी गिर रहा है अभी, तो बिना तैयार हुए हम लोग को जाना पड़ा। तो फ्रांस, मैं गई थी खाम में, और मेरे जब मैं खाम में गई थी ना, तो मेरे घर वाले से मेरे मायके से कॉल आया कि हाज बजा रहे करके, तो बोले कि अभी लेने आ रहे हैं बोल के बोले।
तो फिर मैं ना मक्के के खेत में गई थी ना, तो वहाँ से फिर हम लोग इधर मेरे मायके पहुँच चुकी हूँ। तो मतलब ऐसा किसी तरह होता है यार कि मतलब मैं गई थी काम में और वहाँ से फिर मेरे को कॉल आता है कि लेने आ रहे हैं बोल के, और फिर मैं अपना काम छोड़ के बीच में ही छोड़ के फिर अपने मायके चले आई। तो फिर मैं ना घर गई, वहाँ से काम से घर गए, फिर वहाँ से कपड़ा पैकिंग करे और फिर अभी आ गए। और भी मतलब मैं ना तैयार भी नहीं हुई, ऐसे ही आ गई हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, देखिए। और अब हम लोग आ रहे थे ना, तो उस टाइम एकदम से पानी गिरा, तो फिर हम लोग को रुकना पड़ा। हम लोग यहाँ वहाँ रुक रुक के आ रहे थे, और आते आते ना मैं पूरा भीग गई। मैं कपड़ा वगैरह चेंज करूँगी और तैयार होंगी, तो फ्रेंड्स मैं ना तैयार होकर मिलती हूँ आप लोगों से। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी ना चूड़ी वाली है हैं, तो चूड़ियाँ लाए हैं। तो अभी हम लोग चूड़ियाँ भी ले रहे थे और कान का वाला और क्लिप वगैरह लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, सभी लोग चूड़ियाँ, बाबू भी पहना है वाइट वाला, तो लड़के मन पहनते हैं ना बाबू वाला। ये देखिए जो चूड़ी बेचते हैं ना वो आए थे, तो ये देखिए। और ये भी अपना नया वाला चूड़ी पहने हैं, और इसका भी देखिए, ये देखिए। तो सभी लोग पहने हैं चूड़ियाँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अभी हम लोग जा रहे हैं बाजार देखने, और आप लोग देख सकते हो ये देखिए, पानी बहुत गिरा था तो पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया है। और अपना दल दिखाती हूँ, चिल्लर पार्टी। तो फ्रेंड्स ये देखिए, उपास है मेला, और बाकी जन्ना सभी चले गए हैं, बस अभी हम लोग इतने जन पीछे रह गए हैं। तो चलिए पहले मैं आप लोगों को वहीं पर जाके दिखाती हूँ अच्छे से। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। तो ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा भीड़ था, तो पानी गिरा ना, तो उस वजह से उतना नहीं था, फिर भी था, लेकिन इससे और भी ज़्यादा भीड़ होता अगर पानी नहीं गिरता तो। तो ये देखिए, और इस तरीके से पैर पड़ रहे हैं, और देवी देवता भी आए हैं, तो उन लोग अभी नाच रहे हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से नाच रहे हैं उन लोग, और बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। तो फ्रांस ये देखिए, इधर ना पूरा खिलौना मन था, तो खिलौना वगैरह सब कुछ था, फैंसी सामान वगैरह सब कुछ था। तो ये देखिए, आप लोग देख सकते हो, और ये ना मेरी फ्रेंड है, तो उन लोग कुछ ले रहे थे, तो मैं थोड़ा सा वीडियो बना ली। फ्रांस ये देखिए, ये है मंदिर। तो ये देखिए, अंदर भी बहुत सारे लोग थे, तो बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो ये देखिए, आप लोग देख सकते हो। तो फ्रांस फाइनली हम लोग बाजार देख के घर आ गए हैं, और आप लोगों ने देखा ही होगा कि बहुत सारा दुकान आया था, बट मैं इतना नहीं दिखा पाई, और बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। तो पानी गिरा ना, तो उस वजह से थोड़ा वो था, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। और मैं ना उतना ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पाई, क्योंकि जो मेरी स्कूल फ्रेंड है ना, तो वो मन मिले थे, तो मैं उन लोगों से बातें करने में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई। तो बहुत दिनों बाद मिली ना, तो उन लोगों से बातें कर रही थी, तो फिर बातें करते करते फिर शाम हो गया, तो उतना अच्छे से मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो और अभी बनाएंगे खाना, और खाने में आज बनेगा चिकन, तो अभी बनाएंगे। और हम लोग जाएंगे रात को नाटक देखने, तो अगर मैं जाऊंगी ना, तो छोटा सा वीडियो क्लिप दिखा दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, और आज के ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और बच्चे मेरे पास देखने के लिए आ गए हैं, क्या कर रही है बोल के। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो फ्रेंड्स आज का मेरा ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ एक नई और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।